हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इम्प्रॉपर इंट्रीगल में डिरिचलेट इंट्रीगल टेस्ट लेके आया हूँ और इसके बाद कराऊंगा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी। तो इन दोनों टेस्ट रह गए थे, इन दोनों से भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और इस लेक्चर में हम फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंट्रीगल के सारे टेस्ट कवर कर लेंगे। ये दो ही रह गए थे, बाकी मैंने फर्स्ट लेक्चर में करा दिए हैं। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में आज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस और डिरिचलेट टेस्ट दोनों करते हैं। तो चलिए देखते हैं। डिरिचलेट टेस्ट में मैंने क्या है, कोई भी एक फंक्शन होगा जो बाउंडेड होगा और इंटीग्रेबल होगा, मैं उसे जी एक्स से डिनोटेड कर रहा हूँ, एक ही फंक्शन को, ये रहा कैपिटल जी एक्स। उस फंक्शन से हमें दो फंक्शन बनाने होंगे, उसको मैंने एफ एक्स और जी एक्स में बांट दिया। अभी सॉल्व नहीं किया है, बस ये मैंने एक फंक्शन से दो फंक्शन में बांट दिया। फिर मुझे जो एफ एक्स है वो मोनोटोनिक दिखाना होगा। मोनोटोनिक का मतलब है फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, नेगेटिव में आए या पॉजिटिव में आंसर, अगर नेगेटिव में आएगा तो लिख देंगे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और पॉजिटिव में आएगा तो लिख देंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कब, जब x की वैल्यू a के बराबर हो या इससे ज़्यादा हो। और इसी के साथ यदि मैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखूँ एफ एक्स में तो उसकी वैल्यू जीरो आए। तो ये अभी आधा हो गया। अब दूसरी शर्त क्या है जी एक्स के लिए, ए से लेकर एक्स जी एक्स डी एक्स, इसका पूरे का मैं इंटीग्रेशन करूँ, जो आंसर आए वो बाउंडेड होना चाहिए। कब, फाइनाइट वैल्यू एक्स की, अर्थात बाउंडेड में तो फाइनाइट ही आएगा, अगर इनफाइनाइट होगा तो अनबाउंडेड हो जाएगा। तो मैंने ये लिख के भी दिखा दिया है, जब ये बाउंडेड आ जाए, ये जीरो आ जाए, ये मोनोटोनिक आ जाए, तब हम कहेंगे देन वाई डिरिचलेट टेस्ट ए से लेकर इन्फिनिटी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। या इसकी जगह पर तो आप ये भी लिख सकते हैं, अर्थात जो क्वेश्चन है उसे। और अब मैं एग्जाम्पल दूंगा तो उससे और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। चलिए मैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ही लूंगा, एक तो पहले इजी एग्जाम्पल लूंगा फिर टिपिकल उठा लेंगे। ये सब में लिखा होगा टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ, तो इसमें मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, लिमिट ए से लेकर इनफाइनाइट एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इन टू साइन एक्स और डी एक्स। अब ये एक फंक्शन है तो मैं इसे दो फंक्शन मान रहा हूं एफ एक्स और जी एक्स। तो यहां मान लेंगे लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू मान लिया मैंने साइन एक्स। यहां तक पहुंच गए। अब फर्स्ट करना है मुझे ये वाला, तो एफ एक्स का निकालना है, क्या दे रखा है एफ एक्स, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल करिए डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, अर्थात डी अपॉन डी एक्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे का होल वर्ग, नीचे की मल्टीप्लाई, ऊपर का डिफरेंशियल 1 माइनस ऊपर की मल्टीप्लाई नीचे का 2x, हल होके आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लेस देन 0 आंसर। कैसे, क्योंकि माइनस है, x की वैल्यू नेगेटिव में भी आएगी। तो हम लिख देंगे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। अब ये मैंने इतना हल किया है डिक्रीजिंग, कब, जब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल a हो। अभी तो मुझे ये दिखाना है एंड लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स में, तो x टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स की जगह पर क्या लिख रहा है, यहां से x स्क्वायर कॉमन लीजिए 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, एक x से x कट गया, एक्स वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट रखेंगे यहां बेटा, ये कॉमन लेने पर यहां वन इधर लिख दिया है, एक्स इसके नीचे कर दिया है, इन्फिनेटी रखने पर कितना आएगा, यहां वन अपॉन इन्फिनेटी की वैल्यू जीरो, चलो मैं जीरो लिखे देता हूं, वन प्लस वन अपॉन इन्फिनेटी की वैल्यू जीरो, टोटल वन अपॉन इन्फिनेटी और वन अपॉन इन्फिनेटी का मान जीरो। तो मैंने ये भी सिद्ध कर दिया, अर्थात लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनेटी लगाने पर एफ एक्स की वैल्यू जीरो भी आ गई। अभी यहीं तक हुआ है, अब मुझे ये बाउंडेड और करना है जी एक्स। चलिए ना, जी एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है साइन एक्स, तो लिमिट इसको ए से लेकर इंफिनिटी जी एक्स डी एक्स, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं लिमिट एक्स टेंड्स टू तो इंफिनिटी ए से लेकर एक्स जी एक्स की वैल्यू लगाइए साइन एक्स और डी एक्स, ये कह रहा था बाउंडेड, तो मैं ऐसे कर दूंगा ये बाउंडेड, ठीक है। इसे सॉल्व करिए, इंटीग्रेशन लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका इंटीग्रेशन माइनस के cos x, लिमिट चेंज कर दीजिए तो ये बन गया cos a माइनस cos x।
बेटे कॉस एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन होती है, अर्थात लेस देन इसका मान एक होगा और इसका भी एक होगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ऐसे, लेस देन वन प्लस इसकी वैल्यू भी वन अर्थात टू। ये मत कहना ये माइनस है, खोलने पर भी ये प्लस कर दूंगा मैं। तो इसकी वैल्यू भी एक और इसकी वैल्यू भी एक, कितनी हो गई दो, ठीक है। और ये दो क्या है, फाइनाइट है तो बाउंडेड है। अब हमने इंटीग्रेशन में मॉड लगाने के बाद, ठीक है, तो ये मैं मॉड यहाँ भी लगा देता हूँ, लेस देन एंड इक्वल, ये इंटीग्रेशन चढ़ा दिया, इसका लिमिट हो गई दो, बाउंडेड हो गया। अब इस शर्त से एक तो ये मैंने बाउंडेड भी कर दिया, जीरो भी कर दिया और मोनोटोनिक। देखो ये बाउंडेड तो मैं लिख देता हूं यहां, जी एक्स इज बाउंडेड, बाउंडेड हो गया, जीरो आ गया और मोनोटोनिक, तब मैं लिखूंगा देन बाई ड्रिचलेट टेस्ट। क्या है क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन को इसकी जगह पर मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं, ए से लेकर इंफिनिटी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। ये मत कहना कि लिमिट लगाई जाएगी, लिमिट से पहले ही इसकी वैल्यू आ गई बेटे, क्या आ गई वैल्यू, क्योंकि कॉस इन्फिनिटी की वैल्यू होती नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, हो जाएगी नहीं, तो इसीलिए मैंने इसकी वैल्यू क्या होती है एक और एक कितना हो गया दो, फाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, लिमिट ए से लेकर इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस ए एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स और डी एक्स। अब इसमें भी दो फंक्शन मानने हैं, आइए मैं माने लेता हूं यहां, लेट एफ एक्स इक्वल टू हो गया ई की पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स ई की पावर ए एक्स, और जी एक्स इक्वल टू हो गया साइन एक्स। तो जी एक्स इक्वल टू तो यही वैल्यू आ जाएगी अब, ठीक है सेम। आइए अब मुझे सबसे पहले दिखाना है ये मोनोटोनिक है कि नहीं है, पहली में तो यहाँ एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है e की पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स, इसका डिफरेंशियल करते हैं इंटू एफ एक्स, इसका मतलब d अपॉन डी एक्स माइनस ए एक्स अपॉन एक्स, इसका डिफरेंशियल तो आप कर लेंगे, बस दिखाना है चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव, से कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये एक वेरिएबल है इसलिए डिफरेंशिएबल है। कि मैं कर ही देता हूँ, लो नीचे की मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस ए एक्स का माइनस है, माइनस ऊपर वाले की मल्टीप्लाई नीचे का वन, ये माइनस आ रहे हैं तो मैंने लिख दिया लेस देन जीरो, देख लो इतना ही दिखा दिया बस। तो आप लिखेंगे मोनो टोनिक डिक्रीजिंग, अब डिक्रीजिंग भी हो गया। अब मुझे दिखाना है क्या, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनेटी एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू रखिए, एफ एक्स की वैल्यू यही है तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं ई की पावर ए एक्स, यहां रखेंगे इन्फिनेटी, ई की पावर इन्फिनेटी का मान इन्फिनेटी, वन अपॉन इन्फिनेटी की वैल्यू जीरो, आधा हल हुआ है भाई, एक तो मोनोटोनिक आ गया और ये जीरो भी आ गया, अब बाउंडेड रहा है, क्या रहा है बाउंडेड, तो बाउंडेड के लिए एंड यहां लिख रहा हूं लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनेटी, तो इसकी जगह पर मैं ऐसे लिख देता हूं ए से लेकर एक्स साइन एक्स जी एक्स है ना ये, चलो मैं यही लिख देता हूं जी एक्स डी एक्स का मोड, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनेटी मोड ए से लेकर एक्स, जी एक्स की वैल्यू क्या है साइन एक्स और डी एक्स। अब उसी क्वेश्चन से आप देख सकते हैं सेम लिख रहा है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं लेस देन एंड इक्वल टू, पर आपको खोलना है अभी पहले जो बताया था सेम, ये भी क्या है बाउंडेड है, दो ही आएगा ना इसका भी बताया था, तो बाउंडेड हो गया, जीरो हो गया, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, तो आप लिखेंगे बाई ड्रिचलेट टेस्ट, क्या लिखेंगे ए से लेकर इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट, न दिख रहा हो तो कोई पद बार नहीं है, बस बाई ड्रिचलेट इसको लिख देंगे, यही तो लिखा है मैंने नीचे कन्वर्जेंट है। एक और देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ए से लेकर इन्फिनेटी साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, अब ये गड़बड़ करेगा, इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, दो फंक्शन के अभी तो सेम एक ही है, दो कैसे बनाऊं वो देखना है, ठीक है। तो चलिए ए से लेकर इन्फिनेटी वन अपॉन टू एक्स इंटू टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और डी एक्स, अब हे यार दो बना दिया 2x की इधर और 2x की मल्टीप्लाई,
डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए, फंक्शन बन जाएगा। बहुत अच्छी तरह देखिए कैसे, एफ एक्स इक्वल टू मान लो 1/2x और जी एक्स इक्वल टू मान लो 2x साइन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो मुझे ये डिफरेंशियल दिखाना है फर्स्ट में, तो d/dx fx, अब डायरेक्ट इसका डिफरेंशियल कर रहा हूं ऐसे, कितना हुआ 2x स्क्वायर लेस देन 0, तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। अब मुझे एक और दिखाना है हमें क्या, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी fx, तो रखिए लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी fx की वैल्यू कितनी है, तो यहां 1/∞ का मान 0, देखो 0 भी हो गया और मोनोटोनिक आधा हो गया, अभी मुझे बाउंडेड दिखाना है। तो वो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी a से लेकर x जी एक्स डी एक्स, आइए इसे मैं यहां लिखता हूं, लिमिट a से लेकर x जी एक्स की वैल्यू क्या है, कहां ये रही 2x साइन x स्क्वायर डी एक्स और लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट, ए बच्चे x स्क्वायर इक्वल टी, 2x dx इक्वल dt, ठीक है। तो यहां a से लेकर x स्क्वायर इक्वल टी मान लेते हैं, चलो मान ही लेता हूं, लेट x स्क्वायर इक्वल टी 2x dx इक्वल dt, तो यहां a रखेंगे तो a स्क्वायर, t रखेंगे तो t स्क्वायर, लिमिट बन गई t टेंस टू इन्फाइनाइट साइन t, 2x dx की जगह पर dt, इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो गया cos t माइनस के, लिमिट उल्टी कर दीजिए t टेंस टू इन्फिनिटी cos a स्क्वायर माइनस cos t स्क्वायर, फिर वही बात है, इसकी वैल्यू भी एक और इसकी वैल्यू भी एक, तो लेस देन एंड इक्वल, इसका मान 1+1, ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड भी आ गया और जीरो भी आ गया, मोनोटोनिक आ गया, तो आप क्या लिखेंगे, बाय ड्रिचलेट टेस्ट लिमिट कहां ये रहा a से लेकर इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज कन्वर्जेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका ही, लिमिट जीरो से इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, अब यहां ये गड़बड़ कर रहा है कि जीरो, जबकि फॉर्मूला में ए दे रखा है, क्या दे रखा है ए, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, जीरो टू ए साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स प्लस ए से लेकर इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड। ये फर्स्ट पार्ट तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का बन गया, क्योंकि फाइनाइट तो लिमिट है गई और ये भी बाउंडेड है, कैसे बाउंडेड है, मैं कह रहा हूं टेक फर्स्ट लिमिट जीरो टू ए साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज प्रॉपर इंटीग्रल, और दिखा रहा हूं दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रखूं साइन एक्स अपॉन एक्स कितना आता है, फाइनाइट ही आता है, तो ये लिमिट भी फाइनाइट है और ये भी बाउंडेड है, ये तो है ही है फाइनाइट, जीरो पर रखे मैंने दिखा दिया, तो इसका मतलब ये पार्ट हमारा कन्वर्जेंट है, इसीलिए जीरो से लेकर ए साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। अब ये हल करना है, तो ये तो मैंने कितनी बार कराया है अभी आपको, टेक सेकेंड, इसमें लिमिट ए से लेकर इंफिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, तो यहां मान लो लेट एफ एक्स इक्वल टू 1/x जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, सबसे पहले मुझे ये डिफरेंशियल करना है, d/dx एफ एक्स डायरेक्ट कर रहा हूं इसका डिफरेंशियल, लेस देन 0 मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग आ गया लेस देन, और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स में रखिए x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x, तो 1/∞ का मान 0, ये भी सही है, अभी तो मुझे बाउंडेड दिखाना है, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी a से लेकर x जी एक्स डी एक्स, तो रख लीजिए यहाँ a से लेकर x रखते हैं, यहाँ जी एक्स की वैल्यू क्या है साइन एक्स डी एक्स, ये हल करने पर कितना आता है 2 आता है, तो आप लिख देंगे बाउंडेड।
अब लिखेंगे बाई ड्रिचलेट टेस्ट लिमिट 0 से इन्फिनिटी कैसे, ये भी मैंने प्रॉपर इंटीग्रल से दिखा दिया, ये मैंने हल करके दिखा, तो टोटल क्या है कन्वर्जेंट है, तो मैं पूरे को ही लिखे देता हूं, साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए। अब एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट पे और दो एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है ये और देख लीजिए बस, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट दो एग्जाम्पल इस पे भी देता हूं इंपॉर्टेंट, तो आपका पूरा टॉपिक हो जाएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है ये क्या कह रहा है, एन इंटीग्रल ए से लेकर इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज सेट टू बी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट इफ इंटीग्रेशन के अंदर इस फंक्शन का पहले मॉड निकालो और वो कन्वर्जेंट अगर आता है तो हम कह देंगे ये वास्तव में कन्वर्जेंट है। आइए तो इस पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं तब और समझ में आएगा। लिमिट वन से लेकर इंफिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर फोर डी एक्स, तो इसे मैं लूंगा ऐसे वन से लेकर इंफिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर फोर डी एक्स, देख लो मॉड ले लिया मैंने एफ एक्स का, यहां लिखे देता हूं लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स फोर इज लेस देन एंड इक्वल वन से लेकर इंफिनिटी वन अपॉन एक्स फोर डी एक्स। ये कैसे आया, सिंस साइन एक्स इज लेस देन एंड इक्वल वन, तो इसकी वैल्यू क्या हुई वन। अब इसे मैं हटा देता हूं वन से लेकर इंफिनिटी वन अपॉन एक्स फोर डी एक्स इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट आपको पता है कंपैरिजन टेस्ट में मैंने आगे बताया था, यहां क्या है एन इज ग्रेटर देन वन इसलिए ये कन्वर्जेंट है। सो दैट वन से लेकर इंफिनिटी क्या है क्वेश्चन, साइन एक्स अपॉन एक्स फोर डी एक्स इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। अभी दो एग्जाम्पल और बता दें छोटे छोटे, ठीक है चलिए तो अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल ले लीजिए, इसमें ये फर्स्ट मान लो जीरो से इंफिनिटी साइन एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, यहां एम और ए क्या है ये पॉजिटिव है, तो चलिए फिर वही करेंगे इसी की तरह सेम बिल्कुल, तो जीरो से इंफिनिटी साइन एम एक्स अपॉन का मॉड ये एफ एक्स है इसकी तरह आप लिख सकते हैं और डी एक्स इज लेस देन एंड इक्वल जीरो से इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मॉड डी एक्स सिंस साइन एम एक्स इज लेस देन एंड इक्वल वन, तो इसे मैं लिख सकता हूं अब जीरो से इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। इससे पहले कहीं लेक्चर में मैंने इसका इंटीग्रेशन में वन अपॉन ए जो बाहर आता वो भूल गया था, तो वहां जो मैं भूल गया था ध्यान नहीं रहा था तो इसलिए बता रहा हूं इसे, इसका इंटीग्रेशन वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिमिट रखिए जीरो से इन्फिनेटी, तो वन अपॉन ए बाहर या इन्फिनेटी रखेंगे तो पाई बाई टू, जीरो रखेंगे जीरो तो पाई अपॉन टू ए, और ये क्या है फाइनाइट है, ये क्या आया फाइनाइट, और फाइनाइट का क्या होता है कन्वर्जेंट। सो दैट इसीलिए ये पूरा क्वेश्चन लिखे देता हूं जीरो से इन्फिनेटी साइन एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज आल्सो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। चलिए तो इस एग्जाम्पल को और देख लेते हैं, वही है यहां सेम ऐसे ही लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की जरूरत ही नहीं है मॉड लगा देते हैं ए से लेकर इन्फिनिटी कॉस एक्स अपॉन एक्स की पावर वन प्लस एन और डी एक्स, मान लीजिए लेट एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन एक्स की पावर वन प्लस एन ये इज लेस देन एंड इक्वल ए से लेकर इन्फिनिटी मॉड वन अपॉन एक्स की पावर वन प्लस एन डी एक्स सिंस cos x इज लेस देन एंड इक्वल वन होता है, साइन और कॉस दो ही होते हैं। अब इसे हटा दीजिए वन अपॉन एक्स की पावर वन प्लस एन डी एक्स, यहाँ एन प्लस वन है एन प्लस वन तो ये एन से वैल्यू कुछ ना कुछ ज्यादा होगी, तो यहाँ एन इज ग्रेटर देन वन इसीलिए क्या है कन्वर्जेंट है। सो दैट लिमिट ए से लेकर इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर वन प्लस एन डी एक्स इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट।